हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 3 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एक एग्जाम ट्रॉपर उसका लिंक भी दिया हुआ है, प्लीज़ आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है और बहुत ही अच्छा ऐप है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर डाउनलोड करके एक बार यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले लास्ट वीडियो की जो क्विज है उसे देख लेते हैं। तो देखिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर सिडकोप नामक डिजिटल प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया था? तो ये किया था चीन के साथ, जनवरी में किया था, ये ध्यान रखिएगा। ये आज कल लास्ट वीडियो क्विज का सही आंसर था, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। क्वेश्चन है कि हाल ही भारत के किस स्थल को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? सही आंसर होगा आपका कैलाश मानसरोवर को हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों की सूची जो है उसकी अस्थायी सूची में इसको शामिल कर लिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। कैलाश मानसरोवर के बारे में वैसे आप सभी जानते होंगे, इसका जो भारतीय हिस्सा है उसी के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो भारत का हिस्सा है उसी को इस सूची की इस अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले तो कि ये विश्व धरोहर सूची क्या होती है। देखिए इस सूची में मतलब कि जिन स्थलों को शामिल किया जाता है उन्हें एक विशेष दर्जा दिया जाता है या फिर उनको जो है एक विशेष संरक्षण दिया जाता है, मतलब कि इसीलिए इनको जो है शामिल किया जाता है, ठीक है। एक अलग प्रकार का संरक्षण उनके लिए जो है दिया जाता है उनको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं भारत की वर्तमान में जो स्थिति है विश्व धरोहर स्थलों की उसकी। तो देखिए वर्तमान में भारत में जो है भारत के टोटल 37 विश्व धरोहर स्थल जो है इस सूची में शामिल है और 13 सांस्कृतिक विरासतें इसमें शामिल है विश्व धरोहर की सूची में, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा इनका नंबर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल शक्ति अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई को की गई है रिसेंटली और इसकी शुरुआत जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय है उसके द्वारा की गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभियान के तहत टोटल जो है देश के 256 जिलों को शामिल किया गया है इस अभियान में, जिनमें जो है जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और वहां पर उनके उपाय बताए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 256 जिलों को इसके लिए चुना गया है इस अभियान के लिए, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही स्ट्राइड नामक पहल का शुभारम्भ किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये जो है ये काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा शुरू की गई है, ये जो ये पहला स्ट्राइड नामक ये किसके द्वारा की गई है, CSIR के द्वारा। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसका उद्देश्य क्या है शुरू करने का, देश में शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ही ये स्ट्राइड पहल शुरू की गई है, नाम आप ध्यान रखिएगा बस। दोनों आंसर सही है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की पहली वन्य जीव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला किस देश में शुरू की गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा, केन्या में शुरू की गई है। देखिए इस तरीके की यानी कि वन्य जीव प्रौद्योगिकी की जो प्रयोगशाला है ये इस तरीके की पहली प्रयोगशाला है विश्व की और ये कहाँ स्थापित की गई है, केन्या के अंदर। केन्या का जो ओलपेजोता शहर है ओलपेजेता, ठीक है, यहीं पर इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे केन्या की बात की है तो कैपिटल आप ध्यान रख सकते हैं नैरोबी, नैरोबी केन्या की कैपिटल है और करेंसी की बात करते हैं तो सिलिंग इसकी करेंसी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में 82 सदस्य स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स SRPF तैनात की गई है? तो सही आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क में। देखिए यहाँ अच्छे से आप इसका नाम सुना होगा और यहाँ डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, असम के अंदर है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे राइनो प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और इन्हीं गैंडों के संरक्षण के लिए यहाँ पे एक 82 सदस्यीय स्पेशल टीम जो है गठित की गई है और इनका उद्देश्य क्या है, जो गैंडे हैं एक सिंह के गैंडे हैं उनका संरक्षण करने के मकसद से ही इस SRPF का तैनात यहाँ पे किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की।
केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हेतु मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है? तो सही आंसर होगा आपका, ये कमेटी गठित की गई है देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में। देखिए देवेंद्र फडणवीस कौन है, आपको याद हो ये वर्तमान में जो महाराष्ट्र है ठीक है उसी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के अध्यक्षता में ये एक मुख्यमंत्रियों की जो है कमेटी गठित की गई है। इसका जो मकसद है वो क्या है, कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के मकसद से ही इस कमेटी का गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र के आपको सीएम तो ध्यान चली गया है, अब यहाँ पे गवर्नर की बात करते हैं तो सी विद्यासागर राव वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हाल ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन ने अपना पहला संयुक्त अभ्यास ISLX कहाँ शुरू किया है? तो सही आंसर होगा आबू धाबी में। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन की। ये क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन एक तरीके से एक संगठन है और इसके अंदर वर्तमान में 9 सदस्य देश हैं और उन्हीं सभी सदस्य देशों का ये एक संयुक्त अभ्यास है जिसको नाम क्या दिया गया है, ISLX नाम इसको दिया गया है, ISLX 19। ये 2019 में हो रहा है इसलिए इसको 19 नाम दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आबू धाबी में ये हो रहा है। आबू धाबी कहाँ है, UAE में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए, और इसका उद्देश्य क्या है, जो बहुराष्ट्रीय अपराध है उन पर रोक लगाने के मकसद से ही इसको जो है मतलब कि शुरू किया गया है। और यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन जो संस्था है या फिर जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर भी आबू धाबी के अंदर ही है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही किसने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एशिया चैंपियनशिप 2019 जीती है? तो सही आंसर होगा वैभव यादव। देखिए वैभव यादव भारत के एक प्रो बॉक्सर है जिन्होंने हाल ही में ये वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल जो एशिया चैंपियनशिप है ये जीत ली है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाल ही भारतीय वायुसेना ने किस देश की सेना के साथ गरुड़ 6 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये किया है फ्रांस के साथ। देखिए ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसका 6ठा संस्करण है इसलिए इसको गरुड़ 6 नाम दिया गया है और ये भारतीय वायुसेना और जो फ्रांसीसी वायुसेना है इन दोनों के बीच में ये संपन्न किया जा रहा है या फिर आयोजित होता आ रहा है अब तक। ठीक है, इस बार इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है जो मतलब कि फ्रांस का जो स्थान है मॉरंडी वार्सन जो है फ्रांस में, वहीं पे इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए, इसका 6ठा संस्करण है और आपको बता दें कि लास्ट टाइम जो इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था, भारत के राजस्थान राज्य में किया गया था। ठीक है, चलिए अभी एक और चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो इस बार हिस्सा ले रहे हैं जो भारत के Sukhoi-30 नाम का जो लड़ाकू विमान है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिराज नाम का जो लड़ाकू विमान है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसका अभ्यास आपको मतलब कि अभ्यास का मकसद क्या है, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इन दोनों के बीच का, इसका मकसद ये है कि आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किसे BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना है? तो सही आंसर का PK पुरवार, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की, जिसे शॉर्ट में CMD कहते हैं। तो नए CMD BSNL के कौन बन गए हैं, PK पुरवार बन गए। BSNL एक सरकारी संस्था है, एक टेलीकॉम संस्था है, ठीक है ये तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आप ध्यान रख लीजिएगा, जो PK पुरवार है इसने किसका स्थान लिया है, जो अनुपम श्रीवास्तव थे इससे पहले इस पद पर, उन्हीं का इसने जो है इन्होंने जो है स्थान लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए एक और चीज़ भी ध्यान रख लीजिएगा, सूचना से रिलेटेड हमने बात की है क्वेश्चन में, तो जो वर्तमान में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वो कौन है, रविशंकर प्रसाद है। ठीक है, कौन है, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही नागालैंड में लागू आफ्सपा की सीमा को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सही आंसर का दिसंबर 2019 तक इसको और बढ़ा दिया है, जो आफ्सपा एक्ट है इसको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कौन से राज्य में, नागालैंड में। वैसे आपको बता दें कि वर्तमान में जो आफ्सपा एक्ट है वो 6 राज्यों में लागू है, भारत के 6 राज्यों में। ठीक है, जिसमें से हाल ही में नागालैंड की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे आफ्सपा क्या है, AFSPA क्या है।
देखिए ये इसके बारे में काफ़ी बार बता चुका वैसे आपको, तो आपको ध्यान रखना है एक तरीके से एक स्पेशल फोर्स होती है, ठीक है, और इसको वहाँ तैनात किया जाता है जहाँ पे अशांति होती है या फिर कुछ अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को तो वहीं पे इस जो है फोर्स को मतलब कि वहाँ पे जो है किया जाता है, तैनात किया जाता है, ठीक है। और इसके एक विशेष शक्ति है इसको प्रदान होती है, इसको मतलब कि मिली हुई होती है कि ये जो फोर्स है ये किसी भी कोई भी अगर इनको लगता है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है तो उसको गोली भी मार सकते हैं, कुछ घरों को भी ये मतलब कि तोड़ सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, मतलब कि इनको ये सारी शक्तियाँ मिली हुई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, देखिए आज की क्विज की, निम्न में से किस फिल्म को ऑस्कर 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो भी सही आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इंस्टॉल कीजिएगा और यूज़ कीजिएगा, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।